एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण डेली ब्लॉग 118 में आपका बहुत स्वागत है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो आप हमारे साथ विजिट करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था आप हमारे साथ ट्रैवल करते रहेंगे, क्योंकि जो आज का रूट है वो काफ़ी लंबा है। तो आराम से चलेंगे, खूब इंजॉय करते हुए चलेंगे, और इस बीच आपको जो भी कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं ऑल वेदर ब्रिज जो बना है नियर शिवपुरी, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही बना है ये, और लोग इसको देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी विजिट करते हैं। तो आप देखिए काफ़ी अच्छा ब्रिज बना हुआ है ये। तो आराम आराम से चलते हैं। तो ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, क्योंकि मेनली तपोवन में ज़्यादा रहता है, यहाँ पे उतना नहीं है। तो आराम आराम से चलेंगे, और जो मैंने कहा था आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, तो हमें जो हम लॉन्ग रूट जो आज चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दिन का टाइम हो चुका है और भूख भी बहुत लग चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग में हम घर से निकल चुके थे और अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहीं पे बैठ के हम लंच करेंगे। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं तीन धारा, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो आप यहाँ पर अपना लंच कर सकते हैं। हमने तो अपना लंच यहाँ पे ले लिया है, भूख भी ज़्यादा लगी है, तो फुल पेट लंच करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ चलेंगे। और मैं आपको आज का डेस्टिनेशन दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यहाँ का लंच काफ़ी टेस्टी होता है, फुल प्लेट लंच आपको यहाँ पर करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आज का रूट काफ़ी लंबा है। तो फिलहाल भर पेट हम खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं हम आगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि बहुत ही फेमस पंचप्रयाग है, जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्रकृति की गोद में ऐसा आपको यहाँ पर फील होगा। तो जो मडी इन द पिक्चर जो दिख रही है आपको वो आपकी अलकनंदा है, और जो ब्लू दिख रही है पिक्चर में जो नदी वो भागीरथी है। तो ये दोनों नदी यहाँ पे मिलती है और गंगा का रूप ले लेती हैं, जो कि आपको ऋषिकेश में देखने को मिल जाएंगी। और देवप्रयाग की खान पान की बात करें तो स्वाद के शौकीन के लिए देवप्रयाग जिले का स्थानीय खान पान बड़ा ही अच्छा रहता है। यहाँ पर मंडवे की रोटी, कंडेले की भुजी, झंगोर की खीर और भांग की चटनी मिलती है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। People with deep religious sentiments visit Devprayag and take bath in the holy confluence of both river. Mainly Devprayag का जो टेम्पल है राम भगवान जी को समर्पित है, मंदिर है जिसे हम रघुनाथ जी टेम्पल के नाम से जानते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे आइए और विजिट करिए, मैंने आपको दिखा दिया है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो आप ही देख सकते हैं, ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि देवप्रयाग में है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।